हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप लोगों का कंप्यूटर विद धानेश्वर में तो आज के वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं एम एस एक्सल एम एस मतलब महेंद्र सिंह एक्सल नहीं ठीक है एम एक्स मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सल जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ठीक है तो हम लोग दो वीडियो में कंप्लीट कर लिए थे होम मेन्यू और इंसर्ट मेन्यू तो आज हम लोग उसके आगे का मेन्यू को पढ़ेंगे पेज लेआउट जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है हमारे पेज से रिलेटेड ठीक है तो आप लोग वीडियो में बने रहिए यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें शेयर करें ताकि इसी तरह का और वीडियो आपके फ्रेंड्स भी पढ़ सकें और हम भी प्रोवाइड करते रहें ठीक है तो आज के वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है तो आप वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा अंत तक ज़रूर देखिएगा तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पेज लेआउट पेज लेआउट कहने का मतलब है जो इसका नाम से रिलेटेड वही इसका काम है ठीक है तो पेज रिलेटेड काम इसमें होगा ठीक है तो चलिए आज हम लोग सबसे पहले हम एक इसमें सीट को तैयार कर लिए हैं जो आप लोग को पीछे होम मेन्यू जिस टाइम बता रहे थे उस टाइम इसको बता दिए थे स्कूल रिपोर्ट हम एक तो रिपोर्ट को पहले से तैयार करके रखें ताकि अगर फिर से हम अभी तैयार करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा ठीक है तो हम एक रिपोर्ट को क्या किए हैं तैयार करके रख लिए हैं तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा ठीक है तो चलते हैं हम लोग तो सबसे पहले जब पेज लेआउट पर पे क्लिक करते हैं जो पेज लेआउट मेरा मेन्यू है उस पर जब हम क्लिक करते हैं तो देखिए मेरा थीम रिबन क्या है थीम है पेज सेटअप है स्केल टू फीट है सीट ऑप्शन है एरेंज है क्या है मेरा पांच रिबन दिया हुआ है और पांच रिबन के अंदर अलग अलग से ऑप्शन दिए गए हैं ठीक है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं थीम्स मतलब थीम्स के मतलब भी आप जानते होंगे जब आप अपने मोबाइल का अलग अलग प्रकार का थीम जो आप वॉलपेपर बोलते हैं उसको चेंज करते रहते हैं तो उसी तरह लैपटॉप या अपने पीसी में थीम के माध्यम से क्या कर सकते हैं इसका कलर को फॉन्ट को और टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं ठीक है तो थीम में सबसे पहले ऑप्शन क्या है मेरा थीम में क्लिक करेंगे जैसे ही तो इसमें अलग अलग प्रकार का थीम हमें दिखाई देगा तो इस थीम्स में क्या होगा मेरा टेक्स्ट का जो फॉन्ट है वो भी चेंज हो जाएगा इसका कलर भी चेंज होगा देखिए हम बारी बारी से कर्सर को लेते जाएंगे देखिएगा इसका रिपोर्ट के अनुसार इसका टेक्स्ट भी चेंज हो जाएगा और इसका फॉन्ट भी चेंज हो जाएगा देखिएगा अभी इसका रिपोर्ट लिखा हुआ उसका फॉन्ट अलग है जैसे हम नीचे पे क्लिक करेंगे देखिए अलग अलग इसका थीम है है ना तो आप अगर थीम को चेंज करना चाहते हैं तो आप पेज लेआउट में आइएगा और यहां से आप देखिए यहां लिखा हुआ क्या है देखिए अभी सिंपल में है अभी क्या है मेरा लिखा हुआ टेक्स्ट वो सिंपल में है जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे देखिए धीरे धीरे क्या हो जा रहा है उसका टेक्स्ट में भी इफेक्ट आ रहा है और लिखा हुआ में बोल्ड आ जा रहा है ना तो यहां तक थीम का मतलब समझ में आ गया होगा उसके बाद चलते हैं कलर तो कलर का मतलब क्या होता है कि इसमें कलर को हम लोग फिल कर सकते हैं जैसे जैसे जो कलर आप इसमें चेंज करना चाहते हैं इसमें धीरे धीरे स्क्रॉल करते जाइएगा और कलर चेंज होगा ठीक है उसके बाद क्या है मेरा फॉन्ट फॉन्ट में क्या होगा कि इसमें फॉन्ट का स्टाइल चेंज होगा सिर्फ क्या होगा फॉन्ट का स्टाइल चेंज होगा जिस मतलब कि फॉन्ट पे आप अपना कर्सर को ले जाइएगा वो ऑटोमेटिक देखिएगा चेंज हो जाएगा जैसे एरियल पर क्लिक किए अभी इसका साइज दूसरा है जैसे ही चेंज कीजिएगा अपना कर्सर को लेते जाइएगा देखिए ऑटोमेटिक ये चेंज होते रहेगा ठीक है तो आप यहाँ से आप फोन का साइज को क्या कर सकते हैं इनक्रीज कर सकते हैं या फोन स्टाइल बदल सकते हैं उसके बाद क्या है इफेक्ट इफेक्ट में क्या है कि आप जिस इफेक्ट में इसको रखना चाहते हैं आप यहाँ से रख सकते हैं देखिए इसे ज्यादा चेंजिंग नहीं होगा लेकिन हल्का फुल्का चेंजिंग आ जाएगा ठीक है तो ये मेरा थीम कंप्लीट हो गया थीम कहने का ही मतलब है इसका नाम से ही काम पता चल जाता है थीम का मतलब उसका थीम को चेंज करना ठीक है उसके बाद आगे क्या है पेज सेटअप पेज सेटअप कहने का मतलब है कि जब आप प्रिंट करते हैं जब आप किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करते हैं तो आपका पेज का सेटअप देखा जाता है कि आपका पेज किस बेस में है ए है ए है ए है या ए है तो वो उसका पेज का साइज देखा जाता है ठीक है तो उसके पहले हम लोग को पेज सेटअप करने से पहले हम लोग को पेज लेआउट को सेट करना होगा और पेज लेआउट कहाँ होता है मेरा देखिए सबसे नीचे में राइट right साइड में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ पेज लेआउट जहाँ मेरा कर्सर ब्लिंक कर रहा है या तो यहाँ से भी कर सकते हैं या तो व्यू पे जाइए और व्यू पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा यहाँ पे लिखा हुआ देखिए पेज लेआउट लिखा है इस पर क्लिक कर दीजिए जैसे ही क्लिक कीजिएगा ये पेज में डिवाइड हो जाएगा पेज में डिवाइड हो जाएगा उसके बाद आप यहां से इसका मार्जिन को देख सकते हैं देखिए अभी जो ये छूटा हुआ जहां मेरा कर्सर है और ये साइड जो छूटा हुआ ये मेरा क्या है पेज का मार्जिन है अब जैसे ही इसको क्या कीजिएगा प्रिंट कीजिएगा तो आपका पेज में इतना जगह वो क्या होगा मार्जिन के रूप में छूट जाएगा ठीक है उसके बाद पेज सेट कैसे करें ठीक है हम लोग पेज लेआउट में आते हैं पेज लेआउट में क्या है सबसे पहले मार्जिन मार्जिन का मतलब चौथाई होता है जो आप जैसे रूलिंग कॉपी लेते हैं खरीदते हैं आप लोग तो साइड में देखते होंगे कि एक लाइन छोड़ा हुआ रहता है उसके बाद से हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं है कि नहीं उसके बाद मार्जिन में जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा सबसे पहले इसका प्रिंट प्रिव्यू करके दिखा देते हैं अभी ये पेज है एक उसको प्रिंट प्रिव्यू करने के लिए जैसे प्रिंट कैसे होगा उसे देखने के लिए कंट्रोल के साथ एफ टू प्रेस कीजिए जैसे ही एफ टू प्रेस कीजिएगा तो आ रहा है कि आपका साइड में इतना छूटा हुआ रहेगा और साइड में इतना छूटा हुआ रहेगा ठीक है उसके बाद जैसे ही आप पेज मार्जिन पे इस पर मार्जिन पे क्लिक करते हैं तो आपको बता रहा है कि नैरो में कितना छूटेगा टॉप में जीरो पॉइंट सेवन फाइव वाइड में कितना छूटेगा टॉप में एक छूटेगा फिर लेफ्ट में वन छूटेगा बॉटम में वन छूटेगा और राइट में वन छूटेगा ठीक है जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा इसमें चेंजिंग आ जाएगा देखिए अभी चेंजिंग आ गया इसमें अभी देखिए यहाँ पे चौथाई अभी कम था अभी चौथाई ज्यादा छूट गया ठीक है जैसे ही ज़्यादा छूटा इसका जो और बना हुआ मेरा सीट था वो देखिए इधर बगल में और आ गया ठीक है और इसमें पेज मार्जिन करना चाहते हैं आप नेरो पे कीजिए देखिए इसका मार्जिन में थोड़ा सा इफेक्ट आ जाएगा देखिए अभी यहाँ काफ़ी छूटा हुआ था अभी थोड़ा सट गया सटने के कहने का मतलब अभी दूसरा पेज में, में मेरा रिपोर्ट थोड़ा सा चला गया था वो कट के इसी में आ गया ठीक है यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत अगर किन्हीं को दिक्कत है तो आप प्लीज मैसेज जरूर कीजिएगा है ना आप कमेंट कीजिएगा ताकि हम समझ सकते हैं कि आप कहाँ नहीं समझ पा रहे हैं ठीक है तो पेज मार्जिन में फिर से जाना है क्लिक करना है उसके बाद देखिए कस्टम मार्जिन में कस्टम मार्जिन पे क्लिक करने के बाद मेरा मार्जिन का पेज एटो क्या हो जाता है पेज का सेटअप खुल जाता है अब बता रहा है कि आप टॉप में कितना रखना चाहते हैं लेफ्ट में कितना रखना चाहते हैं अब चलिए हम लेफ्ट में क्या कर देते हैं जीरो उसके बाद राइट में क्या कर देते हैं जीरो टॉप में अगर जीरो करना है तो ज़ीरो कर दीजिए उसके बाद बॉटम में मतलब आप जितना आप अपने हिसाब से कर लीजिए हम ऐसा नहीं कि हम जितना ही बोल रहे हैं आप उतना ही कीजिएगा तो चलिए हम लोग क्या कर लिए जीरो कर लिया जैसे ही हम लोग ओके करेंगे देखिएगा इसका पेज में देखिए अभी इधर एक भी रिपोर्ट कट के नहीं आया सब एक ही पेज में क्या हो गया मेरा सेट ले लिया हो गया कि नहीं अब जैसे ही कंट्रोल के साथ F2 प्रेस करेंगे प्रिंट करने के लिए तो अब मेरा क्या होगा एक ही पेज में आ जाएगा और उस टाइम प्रिंट प्रीव्यू देख रहे थे चेक करके तो क्या हो रहा था मेरा कि एक पेज में नहीं आ रहा था ठीक है तो पेज मार्जिन का मतलब समझ में आ गया है ना उसके बाद पेज ओरिएंटेशन है पेज ओरिएंटेशन कहने का मतलब है जैसे पेज ओरिएंटेशन पे क्लिक कीजिएगा इसमें दो ऑप्शन है पोर्ट्रेट और लैंडस्केप पोर्ट्रेट का मतलब होता है खड़ा पूरा खड़ा और लैंडस्केप में मतलब होता है पड़ा पड़ा मतलब सोया हुआ या लेटाया हुआ अपने भाषा में समझ सकते हैं जैसे ही है इस पर क्लिक करेंगे पोर्ट्रेट पे तो जो मेरा डॉक्यूमेंट है वो सीधा रहेगा देखिए अभी कुछ चेंजिंग नहीं हुआ और जैसे ही हम लोग लैंडस्केप पे करेंगे ये मेरा देखिए अभी इसका क्या हो गया साइज इंक्रीज हो गया अभी ये ये लाइनिंग दिया हुआ था तो मेरा लैंडस्केप में क्या आ रहा था पोर्ट्रेट में देखिएगा पोर्ट्रेट में मेरा ये लाइन एक चौथाई कट जा रहा है देखिए ये पूरा कट जा रहा है ये मेरा क्या हो रहा है पूरा कट जा रहा है ठीक है और जैसे हम लोग लैंडस्केप करेंगे तो देखिएगा ये लाइन अपने आप ऑटोमेटिक सेट ले लेगा ठीक है तो क्या हुआ पेज ओरिएंटेशन समझ में आ गया कि नहीं तो अब हम लोग चलते हैं आगे पेज का साइज पेज का साइज कहने का मतलब अभी हम बताएं कि जब आप पेज को प्रिंट करने जाते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट को तो वहाँ प्रिंटर जो वहाँ प्रिंट करते हैं वो देखते हैं कि आपका पेज का साइज क्या है ए फोर है ए थ्री है ये टू है, है, है तो हम लोग जितना भी पेज को प्रिंट करते हैं वो यहाँ से पेज साइज में जा करके साइज को सेट कर सकते हैं जैसे लेटर में ये फोर हम लोग ज़्यादातर ए फोर साइज को क्या करते हैं चूज करते हैं और इसी को हम लोग प्रिंट करते हैं तो ए फोर पर क्लिक कर दीजिएगा ये मेरा ऑटोमेटिक ए फोर आ गया अब जि ए फोर में जब प्रिंट करेंगे तो ये लाइन है वो लाइन के बाद जो दिख रहा है ये ऑटोमेटिक कट जाएगा डिवीजन तक ही दिखेगा क्या होगा मेरा डिवीजन तक दिखेगा अब देखिए जब इसको प्रिंट करेंगे तो अब देखिएगा इतना ही मेरा क्या हो रहा है दिख रहा है कि नहीं उसके बाद चलते हम लोग आगे अब क्या करते हैं पेज लेआउट को हम लोग क्या करते हैं हटा देते हैं अब ये हो गया उसके बाद आगे क्या है पेज लेआउट पेज साइज के बाद प्रिंट एरिया क्या है मेरा प्रिंट एरिया प्रिंट एरिया कहने का मतलब है कि आपके कोई बॉस है या आपके टीचर है चाहे आपके मित्र है वो बोल रहा है कि हम जितना ही बोलेंगे आप उतना ही प्रिंट करके दिखाइए अगर ये ऑप्शन आपको पता नहीं रहेगा तो जैसे ही बोलेगा कि भाई इसको प्रिंट करके दिखाइए तो आप क्या कीजिएगा कंट्रोल के साथ एफ टू बटन प्रेस कीजिएगा तो क्या होगा एक ही पेज में पूरा आ जा रहा है लेकिन वो बोल रहा है कि नहीं हमको पूरा पेज में नहीं चाहिए बल्कि हम जितना बोल रहे हैं उतना ही चाहिए तो आप यहाँ से हटा दीजिए उसके बाद जाइए आप प्रिंट एरिया में प्रिंट एरिया में जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो बोल रहा है सेट प्रिंट एरिया तो आप सेट प्रिंट एरिया को सेट कर सकते हैं ठीक है तो सबसे पहले क्या करना होगा मान लीजिए हमको इतना ये जो पूरा है सब्जेक्ट इतना हम सेलेक्ट कर लिए अब बोल रहा है इतना ही हमको क्या करना है प्रिंट करके दिखाना है तो इस पर सेलेक्ट कर लेंगे माउस के लेफ्ट बटन प्रेस करके उसके बाद प्रिंट एरिया में जाएंगे और क्या करेंगे सेट या प्रिंट पर क्लिक कर देंगे जैसे ही क्लिक कीजिएगा और कंट्रोल प्लस एफ टू बटन प्रेस कीजिएगा देखिए ऑटोमेटिक जितना बोला आपका बॉस वो आप क्या कर दिए प्रिंट करके दिखा दिए ठीक है अभी हम जितना ही सेट किए थे उतना ही आया कि नहीं तो आप यहाँ से अपने बॉस के नज़र में काफ़ी इंटेलिजेंट बॉय क्या होता समझ सकते हैं है ना तो आप पूरा ऑप्शन को जानिएगा तभी तो अब क्या करना है अब इसे क्लियर करने के लिए इसी पर क्लिक कीजिए क्लिक करने के बाद लिखा हुआ है क्लियर प्रिंट एरिया जैसे ही क्लिक कीजिएगा ये ऑटोमेटिक हट जाएगा फिर से बता देते हैं प्रिंट एरिया का यूज होता है कि आपका कोई फ्रेंड्स है जो आपको टेस्ट करना चाहता है कि आप कितना ऑप्शन के बारे में जानते हैं ठीक है तो बोल रहा है कि जितने सब्जेक्ट हैं मेरे उसी को प्रिंट करके दिखाइए तो क्या करना होगा सबसे पहले माउस को लेफ्ट बटन प्रेस करके रखिएगा और क्या कीजिएगा सिलेक्ट कर लीजिएगा सिलेक्ट करने के बाद पेज सेटअप में जाना है और प्रिंट एरिया पर क्लिक कर देना है तो देखिए सेट प्रिंट एरिया उस पर क्लिक कर दीजिएगा ये ऑटोमेटिक हल्का हल्का रेड कलर से क्या कर रहा है अपने आप को घेर ले रहा अब है ठीक है आप जैसे कंट्रोल प्लस एफ टू प्रिंट प्रिव्यू को देखना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ एफ टू प्रेस कर दीजिएगा वो जितना ही बोलेगा उतना ही आप यहां से सेट कर सकते हैं तो यहां तक समझ में आ गया उसके बाद फिर से इसको हटाने के लिए प्रिंट एरिया में जाना है और उसमें क्लियर प्रिंट एरिया को क्लिक कर देना है समझ में आ गया उसके बाद आगे है ब्रेक्स क्या है मेरा ब्रेक्स ब्रेक्स को कहने का मतलब है कि आपका जो ये बना हुआ डॉक्यूमेंट है जो आप इसमें रिपोर्ट को तैयार किए वो चार भाग में बांट देता है क्या करता है मेरा चार भाग में बांट देता है देखिए जैसे ही इस पर प्रेस करेंगे पेज ब्रेक पर देखिएगा वो मेरा देखिए बोल रहा है इंसर्ट पेज ब्रेक जैसे ही इस पर क्लिक कीजिएगा तो क्या कर रहा है वो चार भागों में बांट दिया क्या किया चार भागों में बांट दिया अब देखेंगे कैसे जैसे ही प्रिंट कीजिएगा कंट्रोल प्लस एफ टू तो देखिएगा एक पेज का एक जो था ये जैसे हम लोग मैथ में पढ़ते थे ना क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट तो ये क्या है मेरा ये एक ठो है अब जैसे ही नेक्स्ट पेज पे कीजिएगा दूसरा आएगा फिर क्लिक कीजिएगा तो क्या होगा वो चार भाग में बांट देगा ठीक है अभी यहाँ दो भाग में ही बांटा क्योंकि जो मेरा जो ये बना हुआ था वो काफी कम था तो चलिए हम इसी को डुप्लीकेट करके थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं देखिए उसके बाद क्या करते हैं हम लोग सबसे पहले इसको पेज लेआउट को हटा देते हैं यहां से पेज लेआउट को क्या करते हैं हम लोग हटा देते हैं नॉर्मल कर देते हैं देखिए जैसे है नॉर्मल किए उसके बाद अभी हम जैसे क्या करेंगे पेज ब्रेक पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा जो मेरा पेज है वो चार भागों में बट जाता है जैसे देखिए एक पर क्लिक करके रखिए यहां पे क्लिक करने के बाद जैसे ही पेज ब्रेक पे क्लिक कीजिएगा देखिए तो क्या बोल रहा है इंसर्ट पेज ब्रेक मतलब कि पेज को कहाँ इंसर्ट करना चाहते हैं मतलब ब्रेक को अब देखिए ये चार भाग में बट गया ये लाइनिंग है एक ये लाइनिंग है दो ये लाइनिंग है तीन और ये चार है अब इसे देखने के लिए कंट्रोल प्लस एफ टू प्रेस कीजिए एफ टू जैसे ही प्रेस कीजिएगा तो हम बताए हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकेंड क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट जो हम लोग मैथ में पढ़ते थे उसी प्रकार के ये आ गया देखिए ये एक साइड कट के आया वन चौथाई है अब जैसे ही नेक्स्ट पेज पे क्लिक कीजिएगा वो दूसरा कटा हुआ भाग आएगा फिर नेक्स्ट प्रेस कीजिएगा तीसरा कटा हुआ भाग आएगा फिर नेक्स्ट प्रेस कीजिएगा तो ये चौथा कटा हुआ भाग आ जाएगा तो क्या हुआ यहाँ से मेरा ये चार भागों में बट गया देखिए लाइन प्लस टाइप से दिख रहा है कि नहीं वो मेरा चार भागों में क्या कर दिया पेज को बांट दिया और इसको हटाने के लिए फिर पेज ब्रेक में जाइएगा और यहाँ रिमूव पेज ब्रेक कर दीजिएगा ये ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा ठीक है यहाँ तक समझ में आ गया किन्हों को दिक्कत अगर अभी भी दिक्कत है आप कमेंट जरूर कीजिए और अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भेजिए शेयर कीजिए ताकि वो इस बेसिक क्लास को वो काफ़ी समझ सके और वो भी सीख सके ठीक है उसके बाद क्या है बैकग्राउंड बैकग्राउंड का मतलब होता है कि आप पेज में अपना डॉक्यूमेंट में आप अपना लोगो को लगा सकते हैं तो जैसे मान लीजिए इस बैकग्राउंड में हम पेज में क्या कर सकते हैं कि लगाना चाहते हैं क्या किसी भी इमेज को लगाना चाहते हैं जैसे हम पेज बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे बैकग्राउंड पे क्लिक करने के बाद आप किस लोकेशन पे अपना इमेज को रखे हैं तो आप यहाँ से ला सकते ठीक है अब हम डेस्कटॉप रखे हैं क्या हम एक लैपटॉप का इमेज रखें चाहे कंप्यूटर जो आपका मन है आप यहाँ से क्लिक करके यहाँ से इंसर्ट कर दीजिए जैसे ही आप इंसर्ट कीजिएगा तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो जाएगा आपका पेज में क्या हो जाएगा सेट हो जाएगा अब इसे हटाने के लिए फिर यहाँ पे जाइए और क्या कर दीजिए जैसे ही एक बार प्रेस कीजिएगा ऑटोमेटिक वो, वो हट जाएगा ठीक है तो पेज यहाँ पेज सेटअप में जो दिया हुआ था ऑप्शन बैकग्राउंड इसका मतलब समझ में आ गया कि नहीं बैकग्राउंड मतलब पीछे उसका बैकग्राउंड में कोई इमेज को फिट कर सकते हैं उसके बाद है प्रिंट टाइटल प्रिंट टाइटल कहने का मतलब है कि जब आप प्रिंट करते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट को जहाँ एक से ज्यादा पेज हो जैसे मान लीजिए आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं या किसी भी स्कूल में काम कर रहे हैं तो उसमें रिपोर्ट बनाया जाता है कि मान लीजिए कोई एग्जाम हो गया एग्जाम में क्या हुआ कि साठ बच्चा सत्तर बच्चा अटेम्प्ट लिए हैं ना तो उसमें सभी का डिटेल्स को देखने के लिए हम लोग प्रिंट टाइटल का यूज करते हैं देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं साठ बच्चा का क्या कर लेते हैं एक बायोडाटा तैयार कर लेते हैं सबसे पहले क्या करेंगे यहां से इसे कॉपी कर लेते हैं ठीक है ताकि काफी समझ में आ जाएगा कंट्रोल सी करके कॉपी कर लिए और कंट्रोल भी कर दिए ठीक है थीके? उसके बाद यहां से फिर कंट्रोल भी कर दिए फिर कंट्रोल भी कर दिए हम साठ बच्चा का क्या कर रहे हैं एक बायोडाटा को तैयार कर रहे हैं बायोडाटा नहीं मतलब कि एक रिपोर्ट को तैयार कर रहे हैं ठीक है ताकि आपको काफी बेहतर समझ में आ जाएगा ठीक है उसके बाद यहाँ फिर से कंट्रोल भी कर दे रहे हैं मान लीजिए हम इतना तैयार कर लिए उसके बाद यहां से क्या करेंगे यहां से हम नंबरिंग को भी लगा करके फीट कर लेंगे अब मेरे पास साठ स्टूडेंट है ठीक है क्या है मेरे पास साठ स्टूडेंट है का क्या है? हम लोग को तैयार कर लिए तो बोल रहे हैं कि इसको प्रिंट करके दिखाइए अब जैसे इसको प्रिंट कीजिएगा तो टाइटल मतलब समझिएगा जो ये टाइटल लिखा हुआ कि नहीं सीरियल नंबर नेम हिंदी इंग्लिश मैथ्स साइंस एस एस टी टोटल परसेंटेज ग्रेड और डिवीजन ये मेरा क्या है टाइटल दिया हुआ है तो जैसे ही इसको हम प्रिंट करेंगे सबसे पहले प्रिंट करने से पहले क्या करेंगे हम लोग प्रिंट प्रीव्यू देख लेंगे तो प्रिंट प्रीव्यू देखने तो देख के लिए कंट्रोल प्लस एप टू जैसे ही प्रेस कीजिएगा तो आपका क्या है कि पेज किस तरह प्रिंट होगा वो दिख जाएगा ठीक है उसके बाद अभी क्या है इसमें सीरियल नंबर दिख रहा है देखिए सीरियल नंबर नेम हिंदी आपका सब्जेक्ट है है ना तो ये क्या है मेरा हेडिंग है तो हेडिंग है और जैसे देखे अभी क्या है मेरा यहाँ पचास बच्चा तक है हम पचास बच्चा का भी क्या कर रहे हैं एक पेज में ले लिए हैं ठीक है उसके बाद हम दस बच्चा और रखे हैं जो नेक्स्ट पेज में है वो दूसरा पेज में चला गया जैसे क्लिक करेंगे दस बच्चा का क्या हुआ बायो जो रिपोर्ट है वो तैयार होके दूसरा पेज में चला गया कि एक पेज में सेट नहीं लिया तो दूसरा पेज में ऑटोमेटिक चला जाता है तो अब जब देखिएगा इसका हाइडिंग तो क्या है चलिए हम यहां जान लेते हैं कि सीरियल नंबर है है ठीक है? समझ लीजिए थोड़ा सा क्या है मेरा? क्या है मेरा 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 सीरियल सीरियल नंबर नंबर है 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 लेकिन ये ये सोहन मोहन ये तो मेरा नाम है लेकिन जो ये मेरा सिक्सटी नाइन है सिक्सटी थ्री है ये क्या है मेरा तो बोलेगा जो सब्जेक्ट में मार्क्स आए वो है तो किस सब्जेक्ट में आया है तो वो नहीं पता है सर तो इसमें हेडिंग देने के लिए इसमें हेडिंग देने के लिए क्या करते हैं हम लोग प्रिंट टाइटल का यूज करते हैं तो देखिए अभी यहां हेडिंग नहीं है तो जैसे ही हम जाकर के इसमें जाने के बाद जैसे ही हम लोग क्या करेंगे प्रिंट टाइटल पे क्लिक करेंगे देखिए जैसे ही प्रिंट टाइटल पे क्लिक किए उसके बाद बोल रहा है एक डायलॉग बॉक्स खोल करके आ जाता है उसके बाद बोल रहा है रो टू रिपीट एट टॉप ये बोल रहा है कि जो आपका टाइटल रिपीट होगा वो रो में उसको सेलेक्ट कीजिए तो हम यहाँ पे प्रेस कर देंगे प्रेस करने के बाद क्या करेंगे यहाँ एक बार क्लिक कर देंगे क्लिक करने के बाद यहाँ पे वो रेंज सेलेक्ट हो गया सिलेक्ट होने के बाद जैसे ही हम यहाँ ओके OK पे, पे क्लिक करेंगे और जैसे ही प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे कंट्रोल प्लस एप टू से क्या करेंगे प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे उसके बाद यहाँ से जैसे ही नीचे करेंगे तो अभी देखिए इसका हैडिंग तो दिख रहा है सीरियल नंबर नेम हिंदी और जैसे ही नेक्स्ट पेज पे क्लिक करेंगे वो वहां भी दिखने लगेगा जैसे देखिए यहां भी सीरियल नंबर है नेम है हिंदी है तो यहां से समझ सकते हैं कि ये मेरा नेम है ये मेरा सब्जेक्ट का मार्क्स है और ये मेरा टोटल है तो यहां से आप समझ सकते हैं ठीक है उसके बाद नेक्स्ट है क्या है मेरा स्केल टू फिट स्केल टू फिट में क्या होता है मेरा यहां पे होता है कि जैसे मान लीजिए आप अभी क्या किए हम लोग जब प्रिंट किए तो ये दो पेज में आ गया तो एक ही पेज में एडजस्ट करने के लिए स्केल टू फिट का यूज होता है देखिए जैसे इस पे क्लिक कीजिएगा विथ में यहां पे जैसे क्लिक कीजिएगा यहाँ बोल दीजिएगा वन पेज तो ये क्या हो गया ये वन पेज में सेट हो गया उसके बाद हाइट पे जैसे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे भी वन पेज पे क्लिक कीजिएगा तो वो क्या हुआ जो अभी दूसरा पेज में चला गया था अभी पीछे प्रिंट पर रिव्यू करके दिखाए थे वो दूसरा पेज में चला गया था जैसे फर्स्ट पेज में लाना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके कंट्रोल प्लस एफ से चेक कीजिएगा अब साठो बच्चा का क्या है यहाँ पे रिपोर्ट तैयार हो गया एक ही पेज में है ना तो यहां तक समझ में आ गया कि नहीं उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है क्या है मेरा ग्रिड लैंड में क्या है ग्रिड लैंड तो ग्रिड लैंड का यूज होता है कि आप यहां आप जैसे मान लीजिए हम सभी को यहां से सिलेक्ट कर लिए सिलेक्ट करने के बाद जैसे देखिए क्या कर रहे हैं यहां से हम सिलेक्ट कर लिए सिलेक्ट करने के बाद देखिएगा कि हम यहां पे जाते हैं इंसर्ट में सॉरी होम में जाते हैं और यहां से क्या करते हैं ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर देते हैं वो मेरा पेज में बॉर्डर क्रिएट हो गया जैसे देखिए कंट्रोल प्लस एफ टू कीजिएगा तो जब भी हम प्रिंट करेंगे तो इस तरह का बॉर्डर सब लाइन आएगा सब सेल छोटा छोटा बना हुआ दिखेगा अब जैसे ही क्या बोल रहा है पेज लेआउट में जाने के बाद कि ग्रिड लाइंस मान लीजिए हम ये ग्रिड लाइंस नहीं चाहिए ठीक है और जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो ये ग्रिड लाइंस ऑटोमेटिक हट जाएगा जो अभी ग्रिड लाइंस दिख रहा है ऑटोमेटिक हाइड हो जाएगा देखिए क्या होगा अभी ग्रिड लैंड हट गया कि नहीं तो इसे देखने के लिए या तो अभी देखिए यहाँ हट गया और फिर से लाना चाहते तो यहाँ भी क्लिक कर दीजिए तो ये हो गया ग्रिड लैंड के बारे में अगर आप यहाँ से भी ग्रिड लैंड को हटाना चाहते हैं जैसे यहाँ पे क्लिक करके कर यहाँ पे व्यू पे हटा दीजिए ये मेरा ग्रिड लैंड हट गया आप जैसे प्रिंट कीजिएगा तो प्रिंट करने के बाद कंट्रोल एप टू से देखिएगा तो ये मेरा ऑटोमेटिक यहाँ पे ग्रिड लाइन रहेगा और जैसे ही आप यहाँ चेक को हटा दीजिएगा और उसके बाद कंट्रोल एफ टू कीजिएगा है ना तो क्या है मेरा ग्रिड लाइन अभी दिख रहा है तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं ग्रिड लाइन को प्रिंट कर सकते हैं और प्रिंट नहीं भी कर सकते ठीक है तो आप यहाँ से इसे दिखा भी सकते हैं और इसे हाइड भी कर सकते हैं तो यहाँ से आपका कोई बॉस है वो देख सकता है आपको चेक करके कि आप यहाँ से ग्रिड लाइन वो हटा दिया आप कैसे लाते हैं ठीक है तो यहां तक समझ में आ गया उसके बाद चलते हम लोग हैडिंग्स में हैडिंग्स करने का मतलब है कि आप जैसे ही कंट्रोल पी कीजिए क्या कीजिए कंट्रोल पी कंट्रोल पी कीजिएगा तो प्रिंट होगा लेकिन हम इसको प्रीव्यू देखना चाहते हैं कंट्रोल एफ टू प्रेस कीजिएगा तो देखिए वो क्या हो रहा है कि अभी हेडिंग में ए बी सी डी और इधर से सीरियल नंबर नहीं आ रहा है देखिएगा जो हेडिंग्स का मतलब होता है जो ए बी सी डी लिखा हुआ है ना ए बी सी डी और इधर से वन टू थ्री लिखा हुआ है वो नहीं आ रहा है जैसे देखिए अभी कंट्रोल एफ टू प्रेस कीजिए अभी रिपोर्ट के ऊपर ए बी सी डी नहीं आ रहा है तो इसे लाने के लिए क्या कीजिएगा प्रिंट पे क्लिक कीजिएगा जैसे ही प्रिंट पे क्लिक कीजिएगा एफ टू प्रेस कीजिएगा देखिए ऑटोमेटिक ए बी सी डी भी आ रहा है और इधर से वन टू थ्री भी आ रहा है तो यहां तक समझ में आ गया कि नहीं अगर बोलेगा आपका बोस कि एक पेज में प्रिंट करना है वो भी ऊपर में हेडिंग में ए बी सी डी लिखा हुआ होगा और नीचे वन टू थ्री वो लिखा हुआ होना चाहिए तो डायरेक्ट प्रिंट पे क्लिक कर दीजिएगा और कंट्रोल प्लस एफ टू कर लीजिएगा प्रिंट परिव्यू देखने के लिए उसके बाद यहाँ से आप दिखा सकते हैं ठीक है यहाँ तक समझ में आ गया फिर से अगर नहीं समझ में आया तो फिर से हम बता देते हैं जैसे इसे अनचेक रखिए अभी प्रिंट पे अनचेक रखिए और कंट्रोल प्लस एफ टू प्रेस कीजिए देखिए इसका जो टॉप में एबीसीडी नहीं आ रहा है इधर राइट में लेफ्ट में वन टू थ्री नहीं आ रहा है यह तो मेरा सीरियल नंबर है ठीक है तो आप जैसे इस पर क्लोज करके इस पर प्रिंट पे चेक कीजिएगा और जैसे ही कंट्रोल प्लस एप टू प्रिंट प्रिव्यू कीजिएगा देखिएगा ऊपर में हेडिंग में देखिए वन टू थ्री एबीसीडी और साइड में वन टू थ्री आ रहा है ठीक है तो यहां तक समझ में आ गया किन्हीं को दिक्कत तो यहां अनचेक कर लेते हैं उसके बाद क्या ऑप्शन है मेरा रेंज क्या है अरेंज अरेंज में क्या है अभी देखिएगा सिलेक्शन पेन और एलिगेन क्या है मेरा खाली दिख रहा है तो इसे और यह सब लाने के लिए जो अभी हाइड है वो अनहाइड करने के लिए हम या तो पिक्चर ले सकते हैं या तो किसी भी शेप का यूज कर सकते हैं तो चलिए हम सेप ले लेते हैं इंसर्ट में जाते हैं सेप्स ले लेते हैं मान लीजिए एक ओवेल ले, ले लेते हैं है ना तो यहां एक ओवेल ले लिए और पेज लेआउट में और उसके बाद एक और जब दो लेंगे कोई भी सेप या इमेज को तब मेरा ये क्या होगा ब्रिंग टू फ्रंट सेंड टू बैक और ग्रुप का ऑप्शन खुलेगा तो एक और हम लोग क्या कर लेते हैं यहां से सेप ले लेते हैं मान लीजिए हम क्या हार्ट का इमेज ले लिए हार्ट का इमेज ले लिए इसको हम लोग दूसरा कलर कर देते हैं क्या किए है? कलर को चेंज कर दिए ठीक है अब देखिएगा पेज लेआउट में ये ऑप्शन जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा वो ऑप्शन खुल जाएगा देखिए यहाँ खुल गया ब्रिंग टू फ्रंट और सेंड टू बैक का यूज होता है कि मान लीजिए आप एक ओवेल है इस पर रख दीजिए है ना अभी क्या हो रहा है कि मेरा जो ओवेल है मतलब जो सर्कल है वो अंदर छिप जा रहा है तो इसे बाहर लाने के लिए ब्रिंग टू फ्रंट कीजिएगा तो देखिए मेरा ओवेल बाहर आ गया और हार्ट का इमेज जो पीछे चला गया ठीक है और अगर ओबेल को अंदर भेजना है तो ओबेल पे क्लिक कर लीजिए सेंड टू बैक कर दीजिए देखिए ओबेल अंदर चला गया और हार्ट मेरा बाहर आ गया ठीक है अब मान लीजिए अब इसे थोड़ा सा और इधर सटा दिए सटा देने के बाद थोड़ा सा छोटा कर दिए देखिए क्या किए छोटा कर दिए है ना सिलेक्शन पेन का यूज होता है कि किसी भी दो इमेज को सिलेक्शन बनाने के लिए मतलब चूज करने के लिए इस ऑप्शन का यूज करते हैं हम लोग तो सिलेक्शन पेन पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा है ना इस पे क्लिक रहने देना है एक बार और सिलेक्शन पेन पे जैसे क्लिक कीजिएगा यहाँ पे देखिए साइड में दो बॉक्स खुल जाता है उसके बाद थोड़ा सा इधर कर लेते ताकि आपको बेहतर समझ में आ जाएगा इसे हटा लेते हैं वहां डायलॉग बॉक्स खुलने के बाद क्या हो जा रहा था ढक जा रहा था जैसे ही सिलेक्शन पेन पे क्लिक करेंगे मेरा ऑप्शन यहाँ पे देखिए दो खुल जा रहा एक है एक हार्ट है एक ओबेल सेप है तो यहाँ से आप हाइट भी कर सकते हैं हम पिछले वीडियो में जब इंसर्ट मेन्यू पढ़ाए थे वहाँ भी बता दिए जब एम एस वर्ड पढ़ा रहे थे वहाँ भी बताएं तो आप वहाँ भी देखिएगा और सीख सकते हैं अगर आप वहाँ देख लिए तो ये काफ़ी बेहतर समझ में आ जाएगा ठीक है तो अभी देखिए इस पर चेक किए तो देखिए वो मेरा दिख रहा है, है ना अब मान लीजिए कि हमको ओबेल सेप नहीं दिख रहा है क्या कर रहा ओबेल से मेरा नहीं दिख रहा है आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए मेरा हार्ट सेलेक्ट हो जा रहा है देखिए हार्ट पे क्लिक किए तो यहाँ पे क्लिक हो गया लेकिन हमें ओबेल पे क्लिक करना है तो देखिए अगर यहाँ क्लिक कर रहे हैं तो मेरा क्या हो जा रहा है वो हार्ट पे क्लिक हो जा रहा है ठीक है तो आप यहाँ से ओबेल पे क्लिक कर सकते हैं और उसे इधर उधर ला सकते हैं ठीक है तो यहाँ तक समझ में आ गया उसके बाद सिलेक्शन पेन का बाद है क्या है एलिगेंट एलिगेंट कहने का मतलब है क्या आप इसे सेंटर में रखना जैसे देखिए यहाँ पे क्लिक कीजिएगा ना तो अलग अलग ऑप्शन खुल करके आ जाता है तो वो ऑप्शन जब कब खुलेगा जब ये दोनों इमेज सिलेक्ट रहेगा शिफ्ट के साथ इसे भी प्रेस कर दीजिए दोनों सिलेक्ट हो गया क्या हुआ मेरा दोनों सिलेक्ट हो गया अब जैसे ही एलिगन पे क्लिक कीजिएगा सारा ऑप्शन खुल करके आ जाएगा अगर ये दोनों को सेंटर में रखना चाहते हैं सेंटर पे क्लिक कीजिए मेडन पर क्लिक करना देखिए यहाँ पे सेंटर पे क्लिक कीजिएगा दोनों साथ में हो जाएगा सेंटर में फिर अगर इसको क्या करना है राइट right में करना है तो राइट right में कर लीजिए यहां से बॉटम में करना है बॉटम में कर लीजिए तो वो क्या है दोनों को सिलेक्ट करके यहां से बीच में करना है टॉप में एलिगन में जहां करना है आप यहां से सिलेक्ट करके कर सकते हैं ठीक है अब इसे हटाने के लिए क्या करते हैं यहां पे सिलेक्शन पेन को हटा दीजिए है ना अब जैसे ही बाहर कीजिएगा अब एक एक करके आप इधर उधर कर सकते हैं देखिए उसके बाद मेरा नेक्स्ट ऑप्शन क्या है एलिगन पढ़ लिए उसके बाद एक ग्रुप ग्रुप कहने का मतलब है कि जब तक दो इमेज या दो सेप्स नहीं रहेगा तब तक ग्रुप नहीं बनेगा ठीक है ग्रुप कब होता है जब एक से ज़्यादा व्यक्ति या किसी भी वस्तु का होता है तो वो ग्रुप बन जाता है तो हमें ग्रुप करने के लिए शिफ्ट बटन को प्रेस करके दूसरा सेप पे क्लिक करना है अब देखिए दोनों क्या हुआ सिलेक्ट हो गया सिलेक्ट होने के बाद ग्रुप पे जाएंगे और जैसे ही ग्रुप पे क्लिक करेंगे तो अब ये दोनों इमेज जहाँ जाएगा वो साथ में जाएगा किस तरह जाएगा साथ में जाएगा हस्बैंड बीबी के तरह गलत नहीं समझिएगा थोड़ा सा समझाने के लिए हम बोले ठीक है अब क्या होगा ये जहां जाएगा ये दोनों साथ में जाएगा अगर इसे फिर से अनग्रुप करना है तो इस पर क्लिक कीजिए और यहां अनग्रुप किया हुआ लिखा हुआ है फिर आप यहां जहां मन कर रहा है आप ले जा सकते हैं ठीक है आप क्या कर सकते यहां से अनग्रुप कर सकते हैं तो पेज लेआउट में ग्रुप तक कंप्लीट हो गया और फिर से लिखा हुआ रिग्रुप जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा फिर वो क्या होगा रिग्रुप हो जाएगा क्या होगा मेरा रिग्रुप हो जाएगा यहां से फिर से ग्रुप में जाने के बाद रिग्रुप कर दीजिए और फिर से क्या हुआ ये ग्रुप हो गया देखिए जहां ले जाना चाहती हैं दोनों फिर से साथ में जाएगा तो यहां तक समझ में आ गया उसके बाद है क्या है मेरा कि उसके बाद है रोटेट अगर इसे रोटेट करना चाहते हैं जैसे मान लीजिए ये हार्ट है इसे हम घुराना चाहते हैं रोटेट करना चाहते हैं तो आप रोटेट पे क्लिक कीजिए अब किस तरह रोटेट करना चाहते हैं फिलिप वर्टिकल फ्री ऑरिजेंटल रोटेट राइट नाइंटी डिग्री रोटेट लेफ्ट नाइंटी डिग्री तो आप यहां से रोटेट कर सकते हैं ठीक है ये मेरा ये ऑप्शन कंप्लीट हो गया तो क्या हुआ मेरा पेज लेआउट सभी को एकक करके एक मेन्यू को हम पढ़ाएंगे और देखिए अभी पेज लेआउट क्या हुआ मेरा कंप्लीट हो गया पेज लेआउट में जितने भी थे रिबन पेज सेटअप स्केल टू फिट सीट ऑप्शन एरेंज ये सभी क्या किए एक करके बारी बारी से बता दिए तो यदि आप मेरे वीडियो में या मेरे चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा सपोर्ट कीजिएगा ताकि हम इसी तरह का और आपको लगातार वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे है ना तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने ना भूलें ठीक है आपको ये वीडियो कैसा लगेगा आप कमेंट में जरूर बताइएगा ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए धन्यवाद